हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जोशी फैमिली ब्लॉग। मैगी खानी आपको? अच्छा, नब से नहीं खाते आप? क्यों? आपके लिए मैगी बनाई है मैंने, बोलो तो सही। खानी है? खानी है मैगी? खानी है, ठीक है। फिर ये किसके लिए है? सेमिया किसके लिए है? ये दादी के लिए, दादी के लिए है, ठीक है। आपकी मैगी कहाँ पे है, दिखाएं आपकी मैगी। रुको, अभी आपकी मैगी भी दिखाते हैं। गाइस, आज हमने बनाया सेमिया, नमकीन सेमिया। ये देखिए गाइस, आज हमने बनाया है नमकीन सेमिया। और यहाँ बन रही है काकू के लिए मैगी। खाता मैगी में है प्याज टमाटर नहीं डालते आप? ये देखिए गाइस, ये आपको पीछे कौन दिखाई दे रहा है? ये कौन है, दादी है ये? गाइस ये देखिए हमारी दादी। और आज ये दादी ने पहनी है नई स्वेटर और नई टोपी, दोनों चीज पहनी है मैचिंग। दादी अपनी स्वेटर तो दिखाओ, दिखाओ तो सही यार। वाह वाह वाह, और देखो दादी ने टोपी भी मैचिंग की पहनी है। कैसी लग रही है दादी आपको स्वेटर? अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी। अच्छा, और देखो रिद्धू ने भी पूरा मैचिंग का पहन रखा है। देखो रिद्धू, दिखाना अपनी, देखना रिद्धू की भी स्वेटर और टोपी दोनों मैचिंग की है। रिद्धू, टोपी और स्वेटर तूने ही मैचिंग की पहनी है, दादी की मैचिंग की पहनी है। नाच हो रहा है रिद्धू को, है ना रिद्धू? नाच हो रहा है। और कहाँ गए बाकी सब घर के लोग? उन्होंने हमारे को लगा दिया, अपना ठंडे ठंडे हो रहा है उनको। ओहो, ये काकू की टोपी, ये काकू की शर्म आ गई। काकू दिखाना टोपी पहनी हुई, अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है, पहले बेटा। ये रिद्धू के साथ शरारत कर रहा है काकू। रिद्धू को बिना रिद्धू अच्छी लगेगी। रिद्धू था ना करे को लिखा दो। ये बताइए क्या आपने किया, ये पेज फाड़ के यहाँ पे क्यों रखा है आपका? क्या चीज है ये, क्या चीज है ये? पढ़ रही है काकू को डांट। ये है क्या, ये ऐसे क्यों रखते हो यार? ये देखो काकू को डांट पड़ रही है। ये क्लास की मुझे लग रहा है इसकी वो है ना, कितने मार्क्स आए इसके? देखो ये देखो मम्मा, इसके मार्क्स देखो कितने हैं, 12 में से 10.5 ना, 10.5 मिले इसको 12 में से। अच्छा गुड मार्क्स यार, अच्छा देखे है अभी क्या रिसेंट है ये। अच्छा ये देखो दोस्तों, ये देखो हमारे बच्चे ने बहुत अच्छे नंबर लिए यार, 10.5 नंबर लिए, अच्छे नंबर है यार। किस में, मैथ्स में? बहुत अच्छे है। वेरी गुड, वेरी गुड, कीप इट अप। ज्यादा आने चाहिए थे ना, नेक्स्ट टाइम 12 में से 12 आने चाहिए, ठीक है? अभी भी शैतानी हो रही है इसकी। ये देखो ये मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, मुझे आशीर्वाद देना अगली बार से पूरे आए। हाँ, और मैथ्स में पूरे भी आते नंबर, मैथ्स में ये हमारे दादा है, दादा आते हैं नंबर, पता है आपको? हेलो बोलो सबको। दादा ढीले क्यों हो रहे हैं? ठंड लग रही दादा को? दादा जी को हमें भी छोटा सा ठंडा हो रहा है, हम अभी बाहर बैठे हुए अपने ड्राइंग रूम में बैठे हैं अभी, और रजाई लेके यहाँ ठंडा है थोड़ा सा। रात को ले लेना आपने रोटी खा के, सारी दे दो तभी ठीक है आपकी, ठीक है। आज दादी ने, अरे दादी का आज नया स्वेटर आया क्या, आपने दिखाया क्या? हाँ जी हमने दिखाया दादी का नया स्वेटर, थोड़ा सा देखना बेटा वो देखो, आज तो मैचिंग हो रहा है रिद्धू के साथ बिल्कुल, दादी की स्वेटर और दादी की कैप, टोपी और रिद्धू की टोपी, रिद्धू की स्वेटर, सब बिल्कुल मैचिंग। वाओ बेटा, देखो टोपी क्या बनाई जाती थी पहले,
ये तो दादी को पता है दादी क्या पहना। दादी के जमाने में जैसे हमारी दादी होगी उस जमाने में क्या पहना जाता था, मतलब कान के लिए एक वो बकरे जैसी लटकने वाली होती थी। पहनते थे वो जमाने में। नहीं नहीं ये एक वो बकरे जैसे वो कान होते थे वो लटकने वाले हो जैसे नहीं होते थे वो डॉगी के कान होते थे ये लटकते थे एक एक वो स्कार्फ नहीं स्कार्फ कहते थे क्या होते थे उसको वो जो ऐसे नहीं होता था वो ऐसे अजीब ही होता था वो क्या कैसे होते थे तुम्हारे जमाने में क्या हमारी दादी के जमाने में स्कार्फ कैसे पहने जाते थे जो कान में ढकने के लिए मतलब जब ठंड होती थी पहाड़ में तो ठंड भी वैसी बहुत होती है उस टाइम होती थी मतलब उस टाइम और भी ज्यादा होती होगी ठंड। कनपट्टी कनपट्टी पहनते थे कनपट्टी नहीं होती थी उसको क्या बोला जाता था उसको क्या बोलते थे उसको बोलते अरे वो गोभी की जैसे बना देते थे जूड़ी ऐसी गर्म कहते वो अजीब ही था पहाड़ के जैसे गर्म कहते ऐसे माउंट एवरेस्ट ऐसे यहाँ एक बंदर की जैसे यहाँ यहाँ पे हमें मेरे फिट भी नहीं आते थे मेरे मेरे कान से धुआं निकल जाता था वो जबरदस्ती हाँ उसको इतनी अरे तेल लगा के गर्म कहते उसको नीचे करना पड़ता था वो फिसलता नहीं था वो नहीं तो सूखे बालों में फिसलता नहीं था और इतना हमारा गर्म कहते इतना बड़ा सिर और समझ लो गर्म कहते पेठे में कोई अंगूर की टोपी फंसा रहा हो इतनी 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 छोटी टोपी गर्म कहते और इतने बड़े आदमी को बना देते ये बच्चे की टोपी मेरे जैसे को बनाएंगे तो कैसे होता था और वो उसको ऊपर से गर्म करते वो बांधना बिठा रहा है यहाँ पे वो दर्द हो जाता था यहाँ पे दर्द होता था यहाँ पे दर्द होता था गोभी का फूल बना देते बिल्कुल लाल गोभी का फूल। दुनिया भर के टोपी मिल रहे मिल रहा है दुनिया भर के चीज मिल रही है तो रेडीमेड आप तो टाइम गर्म करते बनाते थे सब हाथ से बनाते थे हाथ से बनाया हुआ पहनते थे आप गर्म कहते हैं अब रेडीमेड का जमाना है पर रेडीमेड का जब से जमाना है तब से चीजें तो सस्ती भी हो गई है क्योंकि क्वांटिटी में बनने लगी ना ज्यादा पहले वो महंगे भी पड़ता था अगर एक एक सिंगल सिंगल अभी भी ऊन का तो अभी भी महंगे ही पड़ता है वुलन का तो लिया जाए तो ठीक है हम कहते टाइम टाइम की बात है भाई अब वाले बच्चे तेल लगा के नहीं जाते पहले वाले बच्चे अरे तेल लगा के क्या मम्मी हमारे बहुत सारा तेल लगा देती थी तेल लगा के हम क्या करते थे अभी आधे बच्चे तो हमारे मेरे सिर से रबड़ रबड़ रगड़ के उसको गर्म करते हैं रबड़ नहीं उसको गर्म करते किताब में लगाते थे फिर वो किताब का जो छपता था गर्म करते उसको दीवार में लगाते थे वो फोटो छप जाती थी नहीं सिर में तेल लगाते थे ना कागज को पहले ऐसे ऐसे करके गर्म करते वो सारा गर्म करते फोटो जैसी उसकी वो छप जाती थी तेल हो जाता था कागज में फिर जैसे दीवार में फ्लावर छपे हुए ना उस कागज को ऐसे ऊपर रख देते थे ऊपर से साफ दिखता था उसमें फिर वो छापा मार के पेंटिंग करते थे। अरे कोई हमारे अगर बाल पकड़ लेना आधा किलो तेल निकल जाता था इतना तेल होता था पकड़े नहीं जाते थे मैडम भी अगर पकड़ेगी तो गर्म करते पीटने के लिए तो वो हाथ छूट छूट जाते थे ऐसे आंखों में लगा लगा के यहाँ पे कहते काजल उतनी आंख अंदर की काली नहीं जितना बाहर से काली हो जाती थी सही बात है बचपन में तो कार्टून ही बने होते थे अभी फोटो देखते थे अभी हंसी आती है अपनी देख के फोटो ये भी लग रही है आपके बच्चों के लिए क्या हर चीज गर्म करते इनको तो लेटेस्ट बिल्कुल गर्म करते हैं उस टाइम का वो फैशन था उस टाइम का फैशन था आजकल के बच्चे पहनते भी नहीं है जिस टाइप के गर्म करते हैं हम वो करते थे ना तो नीचे थोड़ा थोड़ा उस टाइम का वो फैशन था जिस टाइम पे करते थे पर चीज प्योर थी अभी आप तो क्या है ना असल में क्या है अब हर चीज में जैसे YouTube में किसी ने डिजाइन देखना है YouTube में देख के डिजाइन गर्म करते हैं सिखाना भी सिखाते हैं गर्म करते हैं उस टाइम पे आप गर्म करते हैं आप रेडीमेड ज्यादा हो गए पहले सब सरसों का तेल यूज करते थे प्योर तेल होता था है ना इतना इतना सिर में भी लगा दिए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता था अब देखो अलग तेल भी अलग अलग चल गए हीरो नहीं हो गए हीरो हो गए अब तेल ही मिल जाते हैं 100-150 तरीके के तो तेल ही आते हैं अब तो खुशबूदार अच्छे से अच्छा तेल अच्छे से अच्छे ही है तेल तेल ही होता है खुशबू हो चाहे वो नहीं पर ये था पहले गर्म करते एक चीज थी पहले जैसे आजकल जो मॉइस्चराइजर मॉइस्चराइजर क्रीम लगाते हैं ना पहले सरसों का तेल लगाते थे जैसे आदमी नहाने के बाद सरसों का तेल सारे शरीर में लगाता था उससे खुश्की नहीं रहती थी और तेल भी प्योर होते थे आजकल के जैसे नहीं होते थे ना आजकल तो ये
पैराफिन होता है क्या मिक्स होता है इसमें, पाम ऑयल मिक्स होता है। पहले तेल भी बिल्कुल, तो तेल भी तो कितनी खुशबू आती, झांस आती थी, बिल्कुल एकदम तेज होते थे, शरीर में लगाते ही पता लग जाता था तेल। हाँ भाई सरसों का तेल है, जलन भी थोड़ी होती थी। अब कौन से तेल रह गए आजकल, तो कोई तेल नहीं लगाते। दादी जी फिर आपने कहाँ जाना है, आपने कहीं, मुझे लग रहा है कहीं आपकी जाने की टूर की कहीं तैयारी लग रही है। अब आपका बोलो, हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तब तक के लिए लाइक, हमारी तरफ से नमस्कार, जय हिंद, की तरफ से नमस्कार, जय भारत, जय भारत, वंदे मातरम, नहीं होती, गुड नाइट, नाइट।